गुजरात विधानसभा के लिए आज पहले चरण का चुनाव, 25,430 पोलिंग बूथ पर सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग। गुजरात में पहले दौर के लिए आज 19 जिलों की 89 विधानसभा सीट पर वोटिंग सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पहले दौर के चुनाव में 788 उम्मीदवार आजमा रहे हैं किस्मत, 70 महिला उम्मीदवार दे रही है चुनावी जंग में टक्कर। पहले दौर के चुनाव में करीब 2,39,76,000 वोटर्स करेंगे मतदान, सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं और सीनियर सिटीजन के लिए खास इंतजाम किए गए। अमरेली के श्याल बेट में द्वीप पर बोट के सहारे पहुंचे चुनाव अधिकारी, समुद्र के बीच में है श्याल बेट द्वीप। गुजरात के जम्बूर गांव के अफ्रीकी जनजाति के लोगों के लिए बनाया गया स्पेशल ट्राइबल बूथ, अपने गांव के मतदान केंद्र पर वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह। गुजरात में दूसरे दौर के चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर, पीएम मोदी आज अहमदाबाद में दोपहर 3:30 बजे करेंगे 50 किलोमीटर लंबा रोड शो। पीएम मोदी का रोड शो करीब 3 घंटे तक चलेगा, अहमदाबाद के 16 में से 13 विधानसभा क्षेत्र को करेंगे कवर। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीएम मोदी के रोड शो की शुरुआत नरोदा गांव से होगी, आईओसी रोड चांदखेड़ा तक करीब 50 किलोमीटर का सफर तय होगा। रोड शो के दौरान पीएम मोदी का सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम। पीएम मोदी की आज 3 जनसभाएं, सुबह 10 बजे पंचमहल के बेजलपुर में करेंगे जनता को संबोधित। पीएम मोदी की दूसरी जनसभा सुबह 11:30 बजे छोटा उदयपुर के बुडेली में होगी, तीसरी जनसभा साबरकांठा के हिम्मत नगर में दोपहर 1:45 बजे होगी। पीएम मोदी के अलावा योगी आदित्यनाथ संभालेंगे बीजेपी के प्रचार की कमान, दोपहर 2 बजे बनासकांठा और शाम को 4 बजे अहमदाबाद के धंधुका में करेंगे रैली। सीएम योगी की शाम 5:30 बजे वडोदरा के वागोड़िया में जनसभा, पाटन में भी करेंगे जनसभा को संबोधित। गृह मंत्री अमित शाह भी आज दूसरे चरण के चुनाव के लिए मांगेंगे वोट, महसाना और गांधीनगर में करेंगे रोड शो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज तूफानी प्रचार, वडोदरा में 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के दूसरे दौर के प्रचार की कमान संभालेंगे सीएम अशोक गहलोत, दोपहर 1:45 बजे दाहोद और शाम को 4 बजे वडोदरा में करेंगे जनसभा। सचिन पायलट भी आज अहमदाबाद में करेंगे कांग्रेस का प्रचार, दोपहर 2 बजे अहमदाबाद के अमरीवाड़ी में करेंगे जनसभा। सचिन पायलट की शाम को 4 बजे से देवमुवाड़ा में रैली, शाम को 7:30 बजे बापूनगर में करेंगे जनसभा को संबोधित। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जमालपुर की रैली में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ट्रिपल तलाक और सीएए के कानून के वक्त में कांग्रेस ने चुप्पी साधी। गांधीनगर के मनसा में अमित शाह ने बुधवार को जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा पीएम मोदी की लोकप्रियता और विकास को लेकर उनकी सोच बीजेपी की ताकत है। अमित शाह का आम आदमी पार्टी पर बड़ा तंज, कहा कि हो सकता है कि जीतने वालों में आपके एक भी उम्मीदवार का नाम ना हो। गुजरात के महिसागर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया प्रचार, बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। गुजरात में राजनाथ सिंह बोले कि खड़गे का बयान पूरी कांग्रेस की सोच है, कांग्रेस ने एक संस्था का अपमान किया है। गोधरा में भी खुलकर बोले राजनाथ सिंह, कहा गुजरात में अब दंगे नहीं होते, बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा कि पीओके हमारा है, हमारा ही रहेगा, जब तक आएगा लेकर रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नडियाद में किया रोड शो, बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने की अपील। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान सोनिया राहुल की सोच दर्शाता है। खड़गे के रावण वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार, कहा खड़गे ने हल्के शब्द का इस्तेमाल किया। जब जब कांग्रेसियों ने पीएम मोदी को गाली दी है तब तब लोगों ने कांग्रेस की औकात दिखाई है, देवेंद्र फडणवीस का बयान। पीएम पर खड़गे के बयान को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने देश की 130 करोड़ जनता का अपमान बताया, कहा गुजरात की जनता जवाब देगी। बीजेपी उम्मीदवार रविबाबा जडेजा ने कहा कि लोगों का समर्थन बीजेपी के साथ है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। चुनाव आयोग से मिला कांग्रेस डेलीगेशन, राजीव शुक्ला ने ओपिनियन पोल नहीं दिखाने की मांग की, कहा इससे वोटर्स प्रभावित होते हैं। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को लेकर बीजेपी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुजरात चुनाव को लेकर पंजाब सीएम भगवंत मान का चुनावी वादा, कहा मार्च 2023 से गुजरात में भी फ्री रहेगी बिजली। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव में बीजेपी ने झोंकी ताकत, हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, केशव प्रसाद मौर्य, नरेंद्र तोमर, शाहनवाज हुसैन, कपिल मिश्रा आज करेंगे प्रचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एमसीडी चुनाव के लिए किया प्रचार, सराय रोहिला में किया रोड शो। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एमसीडी चुनाव के लिए किया कैंपेन, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। दिल्ली के छाबला में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को किया संबोधित, बीजेपी के लिए मांगे वोट। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली के एमसीडी के लिए किया प्रचार, मोतीनगर में रोड शो किया। दिल्ली के मालकागंज में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील। यूपी के रामपुर उपचुनाव में आज समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, अखिलेश यादव, आजम खान और चंद्रशेखर आजाद जनसभा को करेंगे संबोधित। मैनपुरी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा रामपुर और मैनपुरी दोनों जगहों पर होगी सपा की सरकार। उत्तराखंड में धर्मांतरण पर रोक का विधेयक पास, जबरन धर्मांतरण के दोषी को 10 साल तक की हो सकती है सजा, जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती अपराध बनाया।
सामूहिक धर्मांतरण के दोषी को 10 साल की सजा और 50,000 तक जुर्माना, जबकि व्यक्ति के धर्मांतरण के दोषी को 7 साल की सजा और 25,000 तक जुर्माना का होगा प्रावधान। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की बड़ी मुश्किलें, फिल्म लाइगर की फंडिंग को लेकर ईडी ने की पूछताछ। विजय देवरकोंडा से करीब 12 घंटे ईडी की पूछताछ, फिल्म मेकिंग और प्रमोशन में काले धन के इस्तेमाल का आरोप। विजय देवरकोंडा ने ईडी की पूछताछ को बताया पॉपुलरिटी का साइड इफेक्ट, कहा कि यह अनुभव है, यही लाइफ है और मैंने अपनी ड्यूटी की। श्रद्धा मर्डर केस में आज सुबह 10 बजे होगा आफ्ताब का नार्को टेस्ट, रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में होगा नार्को टेस्ट। आफ्ताब के नार्को टेस्ट से पहले मेडिकल टेस्ट होगा, शरीर के सभी पैरामीटर चेक किए जाएंगे। उत्तरी अफगानिस्तान के एक मदरसे में बम धमाका, 10 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत, कई बच्चे घायल। दोपहर की नमाज के वक्त हुआ मदरसे में धमाका, तालिबान ने आतंकी संगठन आईएसआईएस पर लगाया हमले का आरोप। जापान की राजधानी टोक्यो में चीन के खिलाफ प्रदर्शन, चीन की कोरोना पर जीरो वायरस नीति पर लोगों ने विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर चीनी नागरिक थे शामिल, नो मोर लॉकडाउन वी वॉन्ट फ्रीडम और सत्ता छोड़ो का पोस्टर लहराकर किया विरोध। अमेरिका की मिसिसिपी और अलबामा में तूफान से कई मकान तबाह, 2 लोगों की मौत की खबर। आइसलैंड के आसमान में दिखा नॉर्दर्न लाइट्स का अनोखा नजारा, नेचुरल हरी रोशनी से जगमगा उठा आसमान। मिस्र ने की ब्रिटिश म्यूजियम के रोसेटा स्टोन लौटने की मांग, ब्रिटिश म्यूजियम ने पुराने समझौते का हवाला देते हुए किया इनका। भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी फिसली, दूसरी तिमाही में 6.3% रही जीडीपी, पहली तिमाही में 13.5% थी विकास दर। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने पोलैंड को हराया, 2-0 से दी शिकस्त। मेक्सिको ने सऊदी अरेबिया को हराया, 2-1 से जीत की दर्ज। फीफा वर्ल्ड कप में आज कनाडा से मोरक्को में होगी टक्कर, क्रोएशिया से भिड़ेगा बेल्जियम। ऑस्ट्रेलिया ने डेनमार्क को हराकर किया बड़ा उलटफेर, 16 साल बाद विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पहुंचा। ट्यूनिशिया ने फ्रांस को हराया, 1-0 से दर्ज की जीत। बारिश के कारण भारत न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे भी रद्द हुआ, न्यूजीलैंड ने 1-0 से सीरीज पर कब्जा किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारने पर बोले शिखर धवन, हमने बेहतर गेंदबाजी नहीं की। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने कहा कि बारिश की वजह से प्रभावित दोनों वनडे में उनकी टीम ने अच्छा किया है, मिशेल की गेंदबाजी की तारीफ की। तीसरे वनडे में टीम इंडिया बुरी तरीके से फ्लॉप, कीवी गेंदबाजों के सामने 50 ओवर भी नहीं टिक पाए भारतीय बल्लेबाज, गेंदबाजी भी रही बेअसर। रवि शास्त्री ने वाशिंगटन सुंदर की तारीफ की, कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में सुंदर ने अवसरों का फायदा उठाया। वनडे क्रिकेट में अफगानिस्तान के टॉप स्कोरर बने इब्राहिम जादरान, श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे में 162 रन बनाए। पाकिस्तान पहुंची इंग्लैंड की टीम के कई खिलाड़ी बीमार, टल सकता है पहला टेस्ट मैच। वेस्ट इंडीज के साथ यूएसए आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी करेगा। बैडमिंटन खिलाड़ी ध्रुव, उन्नति और अनमोल का शानदार प्रदर्शन जारी, तीनों एशिया जूनियर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं, आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, एडिलेड में 4-3 से दी शिकस्त। ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी पेले की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अचंता शरत कमल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित, 25 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवार्ड। एथलीट सीमा पुनिया, बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, प्रणय और मुक्केबाज अमित को मिला अर्जुन पुरस्कार। पैराशूटिंग कोच सुमा सिद्धार्थ शिरूर और कुश्ती कोच सुजीत मान को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। कुश्ती कोच राज सिंह और मुक्केबाजी कोच मोहम्मद अली द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए। अजय देवगन की दृश्यम 2 ने बनाया बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड, घरेलू मार्केट में 150 करोड़ का आंकड़ा किया पार। वरुण धवन ने अनीस बज्मी के निर्देशन में काम करने का ऐलान किया, एक्शन कॉमेडी में कर सकते हैं काम। नुसरत भरूचा ने शुरू की छोरी 2 की शूटिंग, सोहा अली खान का भी होगा अहम किरदार। धर्मा प्रोडक्शंस में बन रही सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म योद्धा की रिलीज डेट टाली गई, अगले साल 7 जुलाई को बड़े पर्दे पर आएगी नुसरत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।